प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। झारखंड में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, एक हफ्ते बाद पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना जाहिर की जा रही है। आज यानी मंगलवार को आकाश में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि दिन में गर्मी होने पर शाम में मौसम में बदलाव संभव है। 3 मार्च को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना जाहिर की गई है। मार्च के पहले सप्ताह में ठंड में कमी आ जाएगी, इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह में गर्मी दस्तक दे देगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम में बदलाव स्थानीय कारणों से होगा। झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाके में सोमवार को दिनभर तेज धूप के बाद शाम में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस तक गया है। 3 मार्च को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना जाहिर की गई है। सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि मार्च के पहले सप्ताह से ठंड में कमी आ जाएगी, इसके साथ ही मौसम सुहाना हो जाएगा, जबकि मार्च के दूसरे सप्ताह से गर्मी दस्तक दे रही है। 2 मार्च से देश का उत्तर पश्चिम इलाका एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में आ सकता है। 4 से 5 मार्च तक इसका असर झारखंड में भी देखा जा सकता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही।